बच्चों अब हम करेंगे अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रैवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो हमने पिछले टॉपिक में क्या चीज करी थी कि हमारे पास दो लाइन थी जो आपस में क्या कर रही थी, आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही थी, यही चीज थी। जिसको आगे इन्होंने क्या किया, एक तीसरी लाइन आई थी जिसका नाम था ट्रैवर्सल। उसने उस तीसरी लाइन में उन दोनों लाइनों को क्या किया था, काटा था ना, इंटरसेक्ट किया था, ठीक है, यही चीज थी। और हमने एंगल्स देखे थे काफी सारे। अब हमारे पास है ट्रैवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास पैरेलल लाइंस होगी, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, तीन हो चार हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हमारे पास L एंड M, ठीक है, जिसको क्या कर रही है, तीसरी लाइन T क्या कर रही है, काट के जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। ये याद है ना, सेम पॉइंट पे नहीं, सेम पॉइंट पे काटेगी तो भैया वो कभी भी हमारी जिंदगी में ट्रैवर्सल लाइन नहीं हो सकती, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। मान लो कि इसका देखो, जैसे ये पॉइंट इधर से काटा और इधर से ये काटा, ठीक है, अलग अलग हुई ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले, जो एंगल्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओके। जैसे लास्ट टाइम हमने एंगल्स देखे थे, इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर हो गए एक्सटीरियर हो गए या कोरस्पॉन्डिंग हो गए ना, ऐसे यहाँ पे भी है, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। देखो मैंने तीन लिखी हुई है कि जब भी, ये याद रखना, जब भी इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रैवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रैवर्सल, देन ओनली, ये जो चीज है ये तभी होगी जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो और उसको कोई ट्रैवर्सल करके जा रही हो, तभी, ठीक है जी। तो क्या होगा, देखो पहली चीज है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल इन मेजर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था, मैंने बताया था, भूल गए होगे। देखो जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालो तो मैंने क्या कहा था, जो लाइन हमें दी उनको आपस में ओवरलैप कर दो, आपस में जोड़ दो। ये दो लाइन है आपके पास एल एम, इसको ऊपर जाके ऐसे जोड़ दो, एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब देखो एंगल वन के ऊपर कौन सा एंगल आ जाएगा, फाइव, टू के ऊपर कौन सा एंगल आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, जब ऐसे जाकर उठा के ऐसे जोड़ोगे तो। थ्री के नीचे कौन सा एंगल है, सेवन, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। फोर के नीचे एट, तो ऐसे जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये एंगल्स क्या हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या कहता है, जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उसको तीसरी लाइन ट्रैवर्सल करे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यानी कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वन, ठीक है, वन, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, फाइव, ये आपस में भाई इक्वल हो गए, ओके। देन हमारे पास एंगल टू को ले लो, एंगल टू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, सिक्स, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। पहले वाले में नहीं था, ये याद रखना, सिर्फ वहां पे क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। मजे मजे में पेन गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो एंगल थ्री, एंगल थ्री के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जब लाइन को चिपकाओगे तो ये एंगल से जाके चिपक जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एंगल थ्री और सेवन आपस में इक्वल हो गए। देन एंगल फोर, एंगल फोर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल एट, तो क्या होगा, जैसे इसको उठाओगे लाइन पैरेलल है, ट्रैवर्सल हो रही है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहां पे हमारे ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियर होगी बात, आगे चलो। अब कहता है अगेन कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रैवर्सल हो रही है, तो ये चीज होगी ही होगी, क्या, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, भूल गए होगे, क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका मैंने बताया था। इंटीरियर एंगल्स कौन से हमारे पास, ये है जो अंदर की तरफ है, अब क्या होगा, ऑल्टरनेट कैसे निकालते हैं, इसका ऑल्टरनेट देखना है तो ऐसे टेढ़ी लाइन बनाओ इस तरीके से, किसके पास जा रही है, एंगल सिक्स के पास जा रही है ना इंटीरियर, तो ये एंगल क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल है और इसके ऑल्टरनेट है, थ्री के ऑल्टरनेट, सिक्स इंटीरियर एंगल। तो ये क्या कहता है, इच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि थ्री एंगल जो है सिक्स के इक्वल होगा। यहां पे एंगल थ्री किसके इक्वल आ गया, सिक्स के इक्वल आ गया। दूसरा ऑल्टरनेट एंगल कैसे निकालेंगे, देखो एक बच गया फोर, फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इसकी लाइन खींच दो टेढ़ी, किस पे जाके टच कर रही है, फाइव पे, तो यानी फोर एंगल जो है उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइव है, जो आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये याद रखना,
ठीक है, ये अगर 120 डिग्री है तो बच्चों ये भी 120 डिग्री होगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ट्रैवर्सल हो रही है और ये प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। आगे देखो, देन थर्ड पार्ट है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रैवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो हमारी ट्रैवर्सल लाइन है उसकी सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, यानी उन दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, कैसे, देखो ये मेरी ट्रैवर्सल लाइन, ठीक है जी, इनके इंटीरियर एंगल 3545, सेम साइड पे कौन से हैं, इसके सेम साइड पे 35, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि अगर मैं एंगल 3 और एंगल 5 की जो वैल्यू आएगी उनको जोड़ूंगा तो 180 डिग्री होगी। ठीक है, ऐसी दूसरी सेम साइड पे कौन से हमारे पास, दूसरा एंगल 4 और 6 इंटीरियर, तो एंगल 4 + 6 क्या होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे 180 डिग्री। ठीक है जी, ये याद रखना, ये सारी प्रॉपर्टी याद हुई ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैथ की बुक में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना ये चीज, एक भी भूल गए खत्म, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा देना बच्चों, क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो हर चीज को ध्यान रखना कि सप्लीमेंट्री कब होगा, पैरेलल है नहीं है, क्या है, जो मर्जी, कोरस्पोंडिंग कैसे निकालते हैं, एक के ऊपर एक टकराके, ऑल्टरनेट कैसे निकालते हैं, ऐसे क्रॉस बना के, ये याद रखना, कभी भी गलती नहीं होगी, कोरस्पोंडिंग एक के ऊपर एक लगा के, ऑल्टरनेट ऐसे टेढ़ा बना के, एंगल्स निकल जाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, जल्दी से करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है जी, क्लास 7th। चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो करके ही जाना, काली माता की कसम आपको, सही है, थैंक यू।